अब ईरान की बात क्या है ईरान आपका बैक करता है थ्री एच्स को थ्री एच क्या है दीज आर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट वन इज़ योर जो गाजा में है गाजा और इसराइल की जहाँ फाइट चल रही है सो दे आर फ्रॉम गाजा सेकेंड आ जाते हैं आपके हाउथी हाउथी जो आपके यमन में है और जिन्होंने रेड स्की में काफी उथल पुथल मचा रखी आपकी. And lastly is your Hezbullah. Hezbullah है आपकी एंड लास्टली इज योर हिजबुल्ला ये हेजबुल्ला है आपकी लेबन के ओके okay? सो so, ये तीनों मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को बैक करता है अब दे माइट बी थिंकिंग कि हम तो इन्हें बैक करते हैं हमारे ऊपर अटैक हो गए सो दिस इज द कर्मा आप गलत करोगे तो गलत तो आएगा ही सेम वे लास्ट ईयर हमने देखा था कि पाकिस्तान में आपके टेररिस्ट अटैक देखे गए थे पाकिस्तान भी सेम चीज करता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बैक करता है एंड सी वॉट हैपन्स वट एवर यू डू वापस तो आना ही आपके ठीक है हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो आती है यहाँ पर ईरान की लोकेशन सो so, हम लोग स्टडी कर लेते हैं वो सो ये रहा मैप देखो ईरान आपका ये रहा तेरान इसकी कैपिटल है कैसपिन ऊपर नॉर्थ में है देन वी हैव गल्फ ऑफ ओपान है पर्शियन गल्फ है इधर आप देख सकते हो इसकी सराउंडिंग्स में देखो देर इज तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान ओके है वी हैव क्वेट तर्की इराक ये सब है ठीक है इंपॉर्टेंट एक हो जाती है आपके लिए लेक दिस लेक उर्मिया ठीक है दिस लेक इज बिन ड्राइंग अप सो इन पे क्वेश्चन जल्दी आ जाते हैं कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट होता है तो ये याद रखना ये ईरान की है आपकी लेक उर्मिया अदर इन दैट आप देखो ये मैप एक बार देख लेना अच्छे से दोनों इंपॉर्टेंट है मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट ने जी सेट ट्वेंटी जी सेट ट्वेंटी या फिर आप इसे ऑल्सो कह सकते हो जी सेट एन टू ये आपका लॉन्च होने वाला है कहां से सैटेलाइट इज गोना बी लॉन्च फ्रॉम स्पेस एक्स फैल्किन नाइन फैल्किन नाइन रॉकेट से लॉन्च होगी फैल्किन नाइन आपका एक रीयूजल रॉकेट है ठीक है एक रीयूजेबल रॉकेट है बाय स्पेस एक्स स्पेस एक्स आप सबको पता होगा मस्क की कंपनी है आपकी टू स्टेज रॉकेट है इससे लॉन्च होने वाला है ये और uh, कहा जा रहा है कि सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2024 में ये आपका लॉन्च देखा जाएगा इसरो ने बनाई है आपकी ये सैटेलाइट दिस इज अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो बेसिकली डिफेंस में आपकी हेल्प करेगी ओके अब ये जो सैटेलाइट है ये ऑपरेट कौन करेगा दिस इज बी ऑपरेटेड बाय द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ये कम्युनिकेशन आर्म है आपकी इसरो की ठीक है ये नाम भी याद रखना आप न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड कम्युनिकेशन आर्म ऑफ इसरो सो ये इन्हें ऑपरेट करने वाली है अब दिस डिमांड ड्रिविन सैटेलाइट जो है आपकी दिस इज गोना बी ऑपरेटिंग इन द बैंड ऑफ के ए बैंड में ऑपरेट करेगी ये जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज करेगी आपकी 26.5 गीगाहर्ट्ज़ टू 40 गीगाहर्ट्ज़ ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट के ए बैंड जरूर याद रखेगा इससे पहले भी एक और ऐसी सैटेलाइट आई थी ड्रिवन सैटेलाइट और वो थी आपकी जी सेट ट्वेंटी फोर जो लॉन्च हुई थी जून ट्वेंटी ट्वेंटी टू में ओके दिस इज ऑल इम्पोर्टेंट फ्रॉम दिस सेक्शन मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द करंट अफेयर पार्ट अब रिसेंटली आपके नए कमांड आए हैं इन वेस्टर्न नेवल कमांड उन्होंने की है सो ही इज वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह द नेम हेयर इज इम्पोर्टेंट एंड ये टेक ओवर कर रहे हैं फ्रॉम वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी से दैट इज नेक्स्ट आपकी तीन कमांड्स होती हैं फर्स्ट वन इज वेस्टर्न नेक्स्ट इज योर ईस्टर्न एंड लास्टली आपकी साधर्न कमांड होती है ठीक है वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर्स है मुंबई में ईस्टर्न का है आपका विशाखापट्टनम में एंड साधर्न का है कोची में ठीक है ये तीनों इंपॉर्टेंट है ये चीजें याद रखना डायरेक्ट आते हैं पे क्वेश्चन

यूनाइटेड uh, नेशन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे इंडिया की साइड से ही इज लीविंग द यू नो हिज रोल एज दैट और उसकी जगह रणधीर जायसवाल ये आपके आई एफ एस ऑफिसर थे ओके नेक्स्ट हम आ जाते हैं गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर सबमिट अब ये सबमिट का टेंथ एडिशन हो रहा है ठीक है गांधीनगर में हो रहा है आपका सबमिट और इसमें जो चीफ गेस्ट होने वाले हैं चीफ गेस्ट हैं आपके चेप रिपब्लिक की प्राइम मिनिस्टर दैट्स योर पीटर फाइल ठीक है सो ही इज गोना बी द चीफ गेस्ट यहां पर इंपॉर्टेंट जनवरी टेंथ से ट्वेल्थ तक होगी ये सबमिट आपकी थीम इंपॉर्टेंट है द थीम इज गेट वे टू द फ्यूचर सो दिस इज द थीम फॉर द सबमिट गांधीनगर में है ओके अदर पीपल हु गोना बी अटेंडिंग ये नेम्स हैं उनकी दीज आर ऑल्सो एमिनेंट पीपल लाइक यू एस प्रेजिडेंट इज देयर मोहम्मद बिन जायद अल नाहेन ठीक है ये भी होंगे बाकी ये नेम्स आप रीड कर सकते हो आगे चलते हैं हम इस सबमिट में अभी तक ये जो आपका वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल सबमिट है इसमें कितने की आपकी एग्रीमेंट्स अभी हो चुकी हैं सो एटी सिक्स पॉइंट एटी सिक्स बिलियन की आपकी एग्रीमेंट्स ऑलरेडी साइन हो चुकी हैं दैट्स अ बिग थिंग अब देखो अगर इंडियन में देखोगे दैट्स अराउंड सेवन पॉइंट वन सेवन ट्रिलियन इंडियन रुपीस में विथ फिफ्टी एट कंपनीज और कौन से कौन से सेक्टर्स में हुई है ये एनर्जी ऑयल गैस एंड केमिकल में ओके okay? नेक्स्ट आ जाते हैं हम डिजिटल शेनिंगम शनिंगीजा अब पहली कंट्री है यूरोपियन यूनियन के अंदर दैट हैव स्टार्टेड दिस डिजिटल डिजिटल काइंड ऑफ वीजा ये डिजिटल वीजा इन्होंने स्टार्ट करा है बेसिकली फॉर योर ओलंपिक प्लेयर्स के लिए इन्होंने स्टार्ट करा है जो 2024 के पैरस ओलंपिक्स में और पैरा ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे सो so, ये कंट्री है आपकी फ्रांस ओके okay, इन्होंने इजी बना ली सारी प्रोसेस स्ट्रीमलाइन कर दिया है वीजा का ओके सो फ्रांस याद रखिएगा आप आगे चलते हैं हम अब नया ये वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करा है इन विमिन फाइव किलोमीटर मैराथन में ओके okay? सो so, ये करा है आपकी केन्या की बियाट्रिस चेबिट ने ठीक है so, सो इन्होंने ये नया रिकॉर्ड सेट किया है 23 थ्री ओल्ड हैं ये और इनका टाइमिंग था 14 मिनट्स 13 सेकंड और उससे पहले का टाइमिंग था 14 मिनट 29 सेकंड जो था इथोपियाज सेनब्रे तेफरी इनका रिकॉर्ड इन्होंने बीट करा हिट 2021 में उनका था ठीक है सो नेम हेयर इज इंपॉर्टेंट और शी इज फ्रॉम केनिया ओके आगे चलते हैं हम देन इट्स द नित्य कला निधि अवार्ड नित्य कला निधि अवार्ड अभी प्रेजेंट किसे हुआ है प्रेजेंट हुआ है आपका वसंथा लक्ष्मी को ओके okay? यहां पर इनकी इमेज है ये आपकी टीचर है और ये शी इज आल्सो डांसर इन भरतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी भरतनाट्यम आपका कौन सी स्टेट से है तमिलनाडु से एंड कुचिपुड़ी है आपका आंध्रा से ओके okay? ये दोनों याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम दिस इज द यूएस जूनियर ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप सो इसमें अंडर फिफ्टीन में आपकी द पर्सन विक्टोरियस ही इज आर्यन वीर है ठीक है ये डी पी एस आर के प्रमुख से दैट सॉ इम्पोर्टेंट बट ठीक है सो ही इज अंडर फिफ्टीन और स्कोश चैम्पियन में दाट वॉज हेल्ड एट फिले डाल्फिया वहां पर ही वन दिस मूविंग फॉरवर्ड वी हैव वर्ल्ड ब्रेल डे ये सेलिब्रेट होता है आज के दिन फोर्थ ऑफ जैन को आपका सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड ब्रेल डे ओके दिस इज बेसिकली इंपॉर्टेंस मार्क करने के लिए होता है फॉर द बर्थडे ऑफ लुइस प्रेल विजनरी हु इज बॉर्न इन फ्रांस इन एटीन में थीम है इस बार का 2024 का आपका इम्पारिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी देखो थीम हर बार जो उनसे भी डे होते हैं उनकी थीम याद रखा करो थीम पे आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं एंड सारे जो आपके ऑप्शंस भी होते हैं ना एमसीक्यू में अबाउट थीम दे आर वेरी कंफ्यूजिंग तो हर बार की थीम नोट डाउन कर लिया करो लाइक दिस ईज फॉर ब्रेल डे इट्स एम्पारिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द इलेक्ट्रॉनिक अब एक कंट्री है जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बनाई है सो so दैट जो प्लांट्स की ग्रोथ है आपकी वो इंक्रीज इंक्रीज हो जाए ओके टू द प्लांट ग्रोथ और एक्सेलरेट द प्लांट ग्रोथ सो ये है स्वीडन स्वीडन के साइंटिस्ट ने ये नई सॉइल बनाई है दैट्स द इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिकॉइल आगे चलते हैं वो कैप पार्ट पे लास्टली आज के टॉप फाइव वर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट वर्ड इज इन्फ्यूजन इन्फ्यूजन इज द एक्ट ऑफ एडिंग समथिंग to something else in order to make it stronger or more successful infusion uh, kisi cheez mein aur koi cheez add karke use aur strong banana second aa jata hai aapka deplore deplore is to regret something deeply or strongly agar abhi wala time acche se use nahi kara then definitely regret karoge aap kyunki aapka dekho cds nda और Fcat कैट का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है ठीक है तो अभी से पढ़ाई कर लो अच्छे से ताकि बाद में कोई रिग्रेट ना रहे

मूविंग फॉरवर्ड कल जो हमने क्वेश्चन पूछा था जी फोर के बारे में देखो जिस दिस जी फोर ये जो ग्रुपिंग है ये बेसिकली उन चार कंट्रीज के ऊपर है वो अपनी यूएन जो आपकी सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें परमानेंट मेंबरशिप चाहते हैं इसलिए ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं चार कंट्रीज चार कंट्रीज हैं आपकी इंडिया ब्राजील जापान और जर्मनी ऑब्वियसली चाइना नहीं होती चाइना इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ द जी सेवन परमानेंट मेंबर ऑलरेडी है ये नेक्स्ट चलते हैं दिस इज द क्वेश्चन फॉर द डे आई होप यू ऑल आंसर दिस इन दी कॉमेंट सेक्शन आल बी वेटिंग फॉर इट एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी डेफिनेटली हिट ऑन द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू आर चैनल मीन टू अलॉट टू अर एंड शेयर दिस विद ऑल योर फ्रेंड्स विद दैट वी एंड द सेशन है थैंक यू फॉर वॉचिंग